Mohd Sanaullah, who is the retired army officer who has actually found himself excluded from the National Citizens Register and is currently out on bail that was given to him by the Guwahati High Court recently and fighting his case. Sanaullah ji, hame ye bataiye ki abhi aapki agli hearing kab hai aur ye kitna matlab ye kitna lamba battle chalega aapke liye? Ye to ek alag tarah ki ladai lad rahe hain. Aapko president's ka medal mila tha 2014 mein, aapne Kargil mein bhi ladai ladi thi aur aap dusri tarah ki ladai lad rahe hain. Sir, aapka awaaz thoda kam aa raha hai, magar jitna bhi maine suna, aapne suna jo NRC process, जो NRC प्रोसेस है सर, ये तो ठीक है, मगर जो जीनियन इंडियन है उसको माने एक्सक्लूडिंग नहीं होना चाहिए. जो जीनियन इंडियन है इंक्लूडिंग होना चाहिए. और जो प्रोसेसिंग है इसका हम सपोर्ट करते हैं. और जो बांग्लादेशी है उसको भी डिपोर्टेशन होना चाहिए, तो इसका हम डिनाई नहीं करते. हम सपोर्ट है NRC का, माने होना चाहिए और मैंने अच्छी तरह होना चाहिए. इसका मैंने स्क्रूटिनाइज डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी अच्छी तरह होना चाहिए. जैसे कोई बाप का अगर इंडियन डिक्लेयर कर दिया, मैं देखा गया कि उसका लड़का भी के नाम नहीं है NRC में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर. इसमें जो बहुत तरह सा कमी पेशी है, जो 40 लाख निकला, 40 लाख का मेरा किला, तो इसमें बच्चा भी है जिसको फादर इंडियन है, वो लड़का 5 साल या 10 साल का लड़का, वो मैंने फॉरेनर उसका नाम एक्सक्लूडिंग कर दिया है, इंक्लूडिंग नहीं किया उसको. लेकिन सनाउल जी, आपके लिए सबसे बुरी बात क्या लगी आपको? आपने यहाँ देश के लिए आप आर्मी में रहे हैं, अभी कुछ साल पहले आप रिटायर हुए हैं, तो क्या वो सबसे बड़ी मतलब वो सबसे बड़ा झटका लगा आपको कि इतने सालों के बाद, इतना कुछ करने के बाद आपका नाम लिस्ट में नहीं है? नहीं, ये तो ठीक कहा आपने. मेरा मैंने 30 साल में देश का सेवा किया हूँ, तो इसमें मेरा NRC में नाम ना होने के वजह से मेरे को तो झटका लगा. इसमें वो तो शौक लगा, इसमें दुख की बात है. मेरे का मैंने कुछ हादसा हुआ तो उसका मैं दोबारा बोलना नहीं चाहता हूँ. जो कानूनी लड़ाई है वो तो लड़ेगा, मैं जस्टिस मिलेगा. और दूसरी बात हो गया कि अपने मैं कारगिल में रहा, कारगिल के में नहीं था, मैं डोडा किश्तवर में डिप्लॉय था उस टाइम में, तो 98 में मैंने निकल के आ गया था. तो जो भी है, मैं क्रिटिकल से क्रिटिकल सेवा किया, देश का सेवा किया, तो उसका बदलत में मेरे को जो मिलना है देश का प्रत्येक, जो बहादुरी से मैंने सेवा किया, ईमानदारी से सेवा किया, उसका बदलत में मेरे को अभी NRC में नाम मैंने इंक्लूड नहीं किया, तो उसके लिए तो मेरे को दुख तो प्रकाश मैंने होता भी है और हर आदमी भी करेगा. तो अभी जो भी मेरा सामने अभी जो आया है उसको अभी मेरे को पक्का न्याय मिलेगा. उसके बाद जो कार्रवाई मैंने बुद्धिजीवी लोग है, जो बहुत बड़े बड़े आईन विधि है, वो लोग का कुछ ना कुछ सजेशन निकलेगा ताकि मेरे को बाद में भी मैंने NRC का नाम इंक्लूड होने के लिए, खाली मेरे के लिए नहीं है, पूरा देश के लिए. सनाउल्लाह जी, वी होप कि आप अपना केस जीत पाते हैं. नहीं हुआ तो उनके लिए कोई ना कोई सजेशन पक्का निकलेगा देश.